Hello, welcome everyone. I once again welcome you to my channel Explore Education. And I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad, and it is my email ID. The topic which I am going to discuss today is Theories of Language Development, Bhasha Vikas ke Siddhant. And this lecture will be in bilingual mode, beneficial for Hindi as well as English medium students, and this content will be useful for various teaching examinations. And do subscribe my channel if you like my content and got my future videos too. So let's start our topic. First of all, language development, भाषा का विकास. हम लोग भाषा के विकास पर चोम्स्की की थ्योरी को डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज हम इन जनरल कई थ्योरीज पढ़ेंगे भाषा के विकास पे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के विकास पर क्या कहा है. Okay, so first of all, researchers now believe that language acquisition is partially inborn and partially learned through our interactions with our linguistic environment. हम लोग नेचर नर्चर बैलेंस पढ़ चुके हैं, नेचर नर्चर डिबेट पढ़ चुके हैं, यानी कि जब जब डेवलपमेंट की बात आती है तब तब जानने वालों में, जानकारों में, मनोवैज्ञानिकों में ये विवाद चलता है, ये डिबेट चलती है कि ये जो डेवलपमेंट है वो नेचर द्वारा गवर्न है या नर्चर द्वारा गवर्न है, ये पूरी तरीके से पोषण पर आधारित है या ये हमारे वातावरण पर आधारित है. तो उसी तरह से भाषा का विकास में भी पीछे ये बातें चलती है कि ये नेचर द्वारा गवर्न है, हमारा जेनेटिक्स उसको गवर्न करता है हमारी भाषा के विकास को, या हमें जो एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है उस पर हमारी भाषा का विकास निर्भर करता है. तो ये मान लिया गया है अब ये पार्शियली बॉर्न है, पार्शियली लर्न है. जिस तरह से हम नेचर नर्चर बैलेंस की बात करते हैं वही नेचर नर्चर बैलेंस लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी काम आएगा, यानी कि इट इज ए बैलेंस्ड गवर्नमेंट ऑफ नेचर एज वेल एज नर्चर. ओके, देन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए स्लो प्रोसेस एंड स्टार्ट्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड अलाउइंग चिल्ड्रेन टू ग्रैस्प दिस स्पोकन वर्ड एंड कम्युनिकेट. यानी कि भाषा का विकास जो है वो धीरे चलती है प्रक्रिया, बहुत जल्दी अचानक से हम आज कुछ नहीं बोलते और कल सब कुछ बोलने लगते हैं ऐसा नहीं होता है. एंड स्टार्ट और शुरुआत इसी कब होती है, शैशवावस्था में, जब हम अर्ली शैशवावस्था मतलब पूर्व शैशवावस्था में, ताकि जो बच्चे हैं वो ये सीख स्पोकन वर्ड को ग्रैस्प करते हैं और कम्युनिकेट करना सीखते हैं. ओके, तो मेनली हम लोग पांच थ्योरीज यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट की जानेंगे. बी एफ स्किनर्स बिहेवियरिस्ट थ्योरी, चोम्स्कीज नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी, वाइगोत्स्की सोशल इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी, पियाजेस कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी एंड मैच्युरेशन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. मतलब बी एफ स्किनर का व्यवहारवाद, देखिए जिसकी जो थ्योरी, ऐसा नहीं हम लोग बी एफ स्किनर को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो बी एफ स्किनर की जो बिहेवियरिस्ट की थ्योरी है, बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, जो वो मानते हैं वही चीज उन्होंने भाषा के विकास पर अप्लाई की है. जो वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन की इंपॉर्टेंस बताते हैं वही सोशल इंटरेक्शन वो कह रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है. उसी तरह से पियाजे साहब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं उसी के क्रम में उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बताया. और मैच्युरेशन थ्योरी एक नई है और चोम्स्की जो है उनको पहले ही पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो यहाँ पे बस चोम्स्की को क्विकली पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बीएफसी. अच्छा, एक आप चार्ट के माध्यम से देख लीजिए कि किस तरीके से थ्योरी का, किस थ्योरी का क्या सेंट्रल आइडिया, कौन प्रोपेगेटर है उसका. तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी का सेंट्रल आइडिया क्या है कि चिल्ड्रन इमिटेट एडल्ट्स, यानी कि जो बालक हैं, जो बच्चे हैं वो अनुकरण करते हैं, वयस्कों का अनुकरण करते हैं. देयर करेक्ट अटेंडेंसेस आर रीइंफोर्स्ड व्हेन दे गेट व्हाट दे वांट और आर प्रेज्ड, यानी कि उनकी करेक्ट अटेंडेंस मतलब जब वो सही बोलते हैं, कुछ सही उच्चारित करते हैं, तो जो वयस्क हैं वो या तो उनकी प्रशंसा करते हैं या उनको रीइंफोर्स करते हैं, पुनर्बल करते हैं, चॉकलेट देते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो सीख जाते हैं कि वो सही बोल रहे हैं. और ये कौन कह रहा है, ये स्किनर साहब कह रहे हैं. इननेटनेस या नेटिविस्टिक थ्योरी चोम्स्की क्या कहती है, ए चाइल्ड्स ब्रेन कंटेन्स स्पेशल लैंग्वेज लर्निंग मैकेनिज्म एट बर्थ. हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले भी. तो वो चोम्स्की साहब क्या कह रहे हैं कि एक बालक जब पैदा होता है तो वो प्री वायर्ड होता है उसका ब्रेन कि वो लैंग्वेज लर्निंग मैकेनिज्म सीख सकता है. और वो कहते हैं कि एवरी लैंग्वेज हैज ए यूनिवर्सल ग्रामर, मतलब दुनिया की तमाम भाषाओं में एक ही सार्वत्रिक व्याकरण है, इसलिए बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है. ओके, ये चोम्स्की साहब कह रहे हैं. कॉग्निटिव जो थियरिस्ट हैं पियाजे वो क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. क्योंकि ये मेनली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं पियाजे, तो ये कहते हैं भाषा का विकास भी छात्र की, बालक की जो ओवरऑल बौद्धिक विकास है उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक एस्पेक्ट है. और इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी इस पर बिलीव करती है, इंटरैक्शन पे, सोशल इंटरैक्शन पे, जिसको कि पियाजे सोशल इंटरैक्शन को बिल्कुल नकार देते हैं अपनी थ्योरी में. वही बात वाइगोत्स्की ब्रूनर सोशल इंटरैक्शन की बात करती है, नहीं, सोशल इंटरैक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, या वो कहते हैं कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना,
than one's own experience. ये कह रहे हैं this theory emphasizes the interactions between children and their caregivers. यानी कि वो जो अंतर संबंध है जो बालक का उसके माता पिता के संग, उसके गुरु के संग, उसके वातावरण के संग, उसके केयर गिवर के संग जो अंतर संबंध है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए. ओके, तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन. देन बिहेवियर से शुरुआत करते हैं. बी एफ सीरस बिहेवियर थ्योरी क्या कह रही है? इट इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. यानी कि सबसे सीधा एक्सप्लेनेशन देती है ये भाषा का विकास का. क्या कहती है? इट अकर्स थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. यानी कि जो अधिगम के नियम है उसी के तहत भाषा का भी विकास हो रहा है, इंक्लूडिंग एसोसिएशन एंड री इन्फोर्समेंट. यानी कि सहसंबंध या पुनर्बलन, यही सब जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स है वही भाषा के विकास को भी गवर्न कर रहे हैं. दिस थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज मच लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल. वो कह रहे हैं भाषा का सीखना भी वैसा ही है जैसे कि हम कोई नया कौशल सीखते हैं. तो नया कौशल बिहेवियरिस्ट कैसे बताते हैं, कैसे सीखते हैं? ऑब्जर्वेशन से. हम अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, रिपीटेशन यानी कि दोहराते हैं, एरर्स माने त्रुटियां करते हैं, और फिर हमको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है. यानी कि या तो हमको इनाम मिलता है या सजा मिलती है जिस हिसाब से हमने काम किया है. बंडूरा भी कहते हैं, बंडूरा की तो सोशल लर्निंग थ्योरी पूरी पूरी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है. ये कहते हैं बंडूरा डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ अदर्स इन लर्निंग लैंग्वेज. तो बंडूरा साहब भी बिहेवियरिस्ट है. ओके, मतलब बिहेवियरिस्ट का भी इनपुट है उनकी थ्योरी में. तो बी एफ स्किनर की बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या हो गई कि भाषा का सीखना भी एक नए कौशल के सीखने जैसा ही है, और उसको भी हम ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से सीख सकते हैं. फिर क्या कहती है ये थ्योरी? लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ लर्नड बिहेवियर. यानी कि सीखा गया व्यवहार है भाषा का विकास. व्हेन बेबी स्पीक दे आर ट्राइंग टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड एडल्ट्स अराउंड देम. वो कह रहा है कि जब बच्चा बोलना सीखता है तो क्या करता है, वो अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, वयस्कों का जो बोलना है उसको अनुकरण करता है, और जब वो अच्छा बोलता है तो हम उसको रीइंफोर्समेंट दे देते हैं और वो बोलना सीख जाता है. यही है बिहेवियर थ्योरी. इसी को उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पे अप्लाई किया है. Then, however, language cannot be entirely learned. अब इसका वो आ रहा है क्या? Criticism. ये भी आप मानते हैं कि भाषा को पूरी तरीके से सीखा नहीं जा सकता. कैसे? Other evidence that refutes the idea that all languages learned through experience comes from the observation that children may learn languages better than they ever hear them. मतलब हम वो भी तो भाषा सीख जाते हैं ना जिसको हमने कभी सुना नहीं है, वो भी भाषा हम सीखते हैं. इसके अलावा जो डेफ बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते वो भी तो बोलते हैं ना, तो वो कैसे बोलते हैं जब उन्होंने सुना ही नहीं है? तो कह रहे हैं कि सब कुछ हमको सुन सुन के सीखना है. तो इसीलिए जो बाद में इसका कंक्लूजन आएगा वो आएगा कि पार्शियली इनबॉर्न या पार्शियली लर्नड एक्टिविटी है क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट. इसी तरह से चोम्स्की साहब तो बहुत बड़े इसके आलोचक रहे बी एफ स्किनर की बिहेवियरिस्ट थ्योरी के. उन्होंने कहा ही क्लेम्स इट डज नॉट एड्रेस सिंटैक्टिक एक्विजिशन. वो कह रहे हैं कि सिंटैक्टिक एक्विजिशन की तो बात ही नहीं कर रही बिहेवियरिस्ट थ्योरी, इसलिए ये नहीं बहुत सही है. लेकिन हम जानते हैं कि सुन के भी हम सीखते से हम इसको पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते. देन चोम्स्की साहब उन्होंने सुन लिया है, पढ़ लिया है. चोम्स्की इज अ बिलीवर इन द नेचर अप्रोच टू लैंग्वेज, जबकि बिहेवियरिस्ट क्या है? नर्चर अप्रोच टू लैंग्वेज है. Arguing, क्या तर्क करता है ये? That human brain contains a language acquisition device. ये कहता है कि नहीं नहीं मनुष्य के मस्तिष्क में है, पहले से है, जब वो पैदा हुआ तभी से एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है. दैट इंक्लूड्स अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अंडरलाइज ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस, जिसमें कि एक सार्वत्रिक व्याकरण है और सभी भाषाओं पर, सभी मनुष्य की सभी भाषाओं पर वो अप्लाई होती है. देन चोम्स्कीज अकाउंट प्रपोजेस दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद अ नॉलेज ऑफ जनरल रूल्स ऑफ सिंटैक्स that determine how sentences are constructed. वो कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो पैदा होता है तो उसके दिमाग में विद नॉलेज ऑफ जनरल रूल्स ऑफ सिंटैक्स, सिंटैक्स के जनरल रूल्स की नॉलेज के साथ पैदा होता है, उसको पता होता है, सुनिश्चित कर सकता है वो कि कैसे वाक्य का निर्माण करना है. He has observed that all children make the same type of language errors regardless of the languages they are taught. उसने ये अनुभव किया, चोम्स्की साहब ने ये अनुभव किया कि बच्चे को चाहे आप किसी भी तरीके की भाषा सिखाइए, कोई भी भाषा सिखाइए, वो भाषा सीखने में, लैंग्वेज सीखने में समान यानी कि एक प्रकार की त्रुटि करता है. ये भी इस बात को बल देता है कि सभी भाषाओं का एक सिमिलर यूनिवर्सल ग्रामर है. Then language develops as long as the infant is exposed to. जैसे ही आप भाषा के लिए, भाषा के पास मतलब जहाँ वो भाषा बोली जा रही है, इन्फेंट को एक्सपोज करेंगे वो लैंग्वेज सीख जाएगा. नो टीचिंग ट्रेनिंग और रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज टू डेवलप एज प्रपोज्ड बाय स्किनर. वो कह रहे हैं आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं है, किसी पुनर्बलन की जरूरत नहीं है जैसा कि स्किनर कह रहे हैं कि है. देन वर्थ नोटिंग, अब इसका कैसे आलोचना हुई कि वर्थ नोटिंग
चोम्स्की एलईडी से हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, पहली बात ये अनुमानित एक पूर्व एक अनुमान है बस ये कंसेप्ट, और देयर इज नो ब्रेन लीजन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय न्यूरोसाइंटिस्ट। न्यूरोसाइंटिस्ट इतना काम कर रहे हैं ब्रेन की, बहुत स्ट्रक्चर हमको क्लियर हो गई है अब, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रक्चर हमको अभी तक ब्रेन में न्यूरोसाइंटिस्ट ने खोज के नहीं दी कि ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, देन वाइगोट्स, हम लोग जानते हैं ले वाइगोत्स्की का सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में, सोशल कंस्ट्रक्शन में नाम आता है, तो वही चीज इन्होंने इस पे अप्लाई किया है। कह रहे हैं कि द बेसिक नोशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट लैंग्वेज हैज अ सोशल ओरिजिन। ये क्या कह रहे हैं कि भाषा की सामाजिक उत्पत्ति है, अभी तक सामाजिक उत्पत्ति कोई नहीं कह रहा था भाषा को, इन्होंने कहा दिस कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ इज कंटिन्यूअली एंगेजिंग इन सोशल इंटरैक्शंस व्हिच अलाउज हिम टू डेवलप हायर कॉग्निटिव फंक्शंस नेमली लैंग्वेज एंड थॉट। वो कह रहे हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो सामाजिक अंतरक्रिया में लिप्त रहता है ना, उसके माँ बाप है, उसको प्यार करने वाले हैं, उसकी सहायता करने वाले हैं, उसकी केयर करने वाले लोग उसके इर्द गिर्द हैं, तो इससे वो कॉग्निटिव फंक्शन सीखता है। और लैंग्वेज क्या है, ये भी एक तरीके का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ओके, तो भाषा और विचार को वो सोशल इंटरेक्शन से ही सीखता है, ये वाइगोत्स्की कह रहे हैं। जबकि पियाजे क्या कहेंगे, पियाजे कहेंगे कि पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है तब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये थोड़ा सा दोनों लोगों में अंतर है। देन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन कम फर्स्ट देन कॉग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आ गई ना, ये कहते हैं कि पहले सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन होता है तब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। जबकि पियाजे कहते हैं कि पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तब लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, दिस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन सोशल लर्निंग एंड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, जब जब वाइगोत्स्की का नाम आएगा तब तब ZPD का नाम आएगा, जब जब चोम्स्की का नाम आएगा तब तब LAD का नाम आएगा, तो ये सब हमको याद रखना है। तो ये भाषा का विकास का सिद्धांत किस पर बल देता है, ये सामाजिक अधिगम पर बल देता है और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर बल देता है। तो ZPD है क्या, ZPD इज अ लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑब्टेन्ड व्हेन चिल्ड्रन एंगेज इन सोशल इंटरेक्शंस। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ चाइल्ड्स पोटेंशियल to learn and the actual learning that takes place. तो ZPD क्या है कि बालक को अगर आप social interaction के बिना सिखाएं तब उसके सीखने का level क्या होगा, और जब वो किसी के साथ सीख रहा है तो क्या होगा, तो जब किसी के साथ सीख रहा है तो बेहतर सीखेगा। तो ये जो अंतर है, ये जो दूरी है, जब वो अकेले सीखता है और जब वो किसी के साथ सीखता है, इसी के बीच की दूरी को, इस सीमा को हम zone of proximal development कहते हैं, ZPD कहते हैं। Then Piaget's constructivist theory. ये क्या कह रही है कि language development is not only due to genetic predisposition or imitation. ये अब ये चूंकि हम cognition में बल देते हैं, तो ये कहते हैं कि genetic predisposition नहीं है, अनुकरण नहीं है। भाषा का विकास आप आनुवंशिकता के कारण नहीं सीख रहे हैं, ना ही आप अनुकरण करके सीखते हैं। वो कह रहे हैं दिस थ्योरी सजेस्ट दैट चिल्ड्रन यूज बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन टू लर्न लैंग्वेज। जिसने जिसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रखा है पियाजे का, उसको पता है कि वो ये दो टर्म यूज करते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस एनवायरमेंट टू प्लेस इंफॉर्मेशन इन टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम। यानी कि हमको कोई नई जानकारी मिली तो हम एसिमिलेट करते हैं, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को चेंज करते हैं ताकि स्कीमा उसमें फिट हो जाए। स्कीमा का मतलब आइडिया है और मेंटल आइडिया है, मेंटल इमेज है। और एकोमोडेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस स्कीमा टू अडैप्ट टू द न्यू एनवायरमेंट। एकोमोडेशन क्या है कि हमको स्कीमा को चेंज करना पड़ता है, आइडिया को चेंज करना पड़ता है टू फिट इन द प्रीवियस आइडिया व्हिच इज टेकन व्हिच इज शेप्ड इन आवर माइंड, है ना। यानी कि हमारे दिमाग में पहले से जो स्कीमा सेट है उसमें हमको नए स्कीमा को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आइडिया को चेंज करना पड़ेगा ताकि हम एकोमोडेट कर पाए। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि हम व्यवस्थित हो जाए, हम सामंजस्य स्थापित कर लें। देन दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट लैंग्वेज इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं लैंग्वेज इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि पहले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा और फिर वो संज्ञान से, आइडिया से, एक्सपीरियंस से भाषा सीखेगा। इन अदर वर्ड्स, पीपल डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स एंड कंस्ट्रक्ट ओवरऑल लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। मतलब ये कह रहे हैं बच्चा तभी बोलना सीख पाता है जब उसके पास कोई अनुभव होता है, कोई संज्ञान होता है, कोई आइडिया होता है, कोई स्कीमा होता है, उसके पहले वो भाषा नहीं सीखता है बोलना। चिल्ड्रेन फर्स्ट क्रिएट मेंटल स्ट्रक्चर्स विद इन द माइंड, है ना। यानी कि पहले बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर बनाता है एंड फ्रॉम दीज स्कीमास लैंग्वेज डेवलपमेंट हैपेंस। और जब स्कीमा बन जाता है तब वो उसके अनुसार बोलता है। तो बात सबने वही कही लेकिन थोड़ा बहुत अपनी थ्योरी के हिसाब से घुमा घुमा कर गई है, तो ध्यान देना इस बात पे, इस बारे में। देन मैच्युरेशन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि इसके देने वाले पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिशियन ये साइकोलॉजिस्ट नहीं है। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आर्नॉल्ड जेसेल इंट्रोड्यूस द मैच्युरेशन थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन 1925 में, लगभग 100 साल पहले ये थ्योरी दी गई।
इसमें है कि दिस थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एंड अदर बिहेवियर. तो बात ये भी जेनेटिक्स की कर रहे हैं लेकिन चोम्स्की की तरह नहीं कर रहे. ये कह रहे हैं कि जो हमारा जेनेटिक है, हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, वही हमारे विकास को, हमारे व्यवहार को फोकस करता है, वही हमारे विकास को प्रभावित करता है. जैसे बिलीव दैट ह्यूमन स्किल्स, जैसे मनुष्य के कौशल, जैसे एडेप्टिव स्किल, मोटर स्किल और लैंग्वेज डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलप एंड अनफोल्ड नेचुरली बेस्ड ऑन अवर बायोलॉजिकल मेकअप. यानी कि अनफोल्डिंग होती रहती है. जैसे जैसे हमारा जो बायोलॉजिकल मेकअप है, जैसे जैसे हम मैच्योर हो गए, यानी कि जैसे जैसे बच्चा उम्र में बड़ा होगा, वैसे वैसे मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी चीजें अनफोल्ड होती है. जैसे फाउंड हिज इन्वेस्टिगेशन ऑन चिल्ड्रंस फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड मैच्योरेशन. तो इसी को जैसे जैसे उसका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, वो मैच्योर होगा, वैसे वैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाएगा. और बेस किस पर है? हमारी जेनेटिक्स पे बेस्ड है. ही प्रपोज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट माइलस्टोन्स अगर बिटवीन एजेस 40 वीक्स एंड 5 इयर्स, यानी कि 40 हफ्ते से लेके 5 वर्ष तक के बीच में बच्चा भाषा बोलना सीखता है. ओके, तो हमने कितनी थ्योरीज पढ़ी? हमने बीएफ स्किनर की बिहेवियर थ्योरी पढ़ी. वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बच्चा व्यवहार का अनुकरण करने से सीखता है. जैसा उसके माँ बाप बोलते हैं, अगर वो सही उच्चारित करता है, उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है, वो बोलना सीख जाता है. चोम्स्की कह रहे हैं कि उसका व्यवहार से कोई मतलब नहीं, अनुकरण करने की जरूरत नहीं है, टीचिंग ट्रेनिंग आपको देनी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है. बच्चा पैदा हुआ है उस उपकरण के साथ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ, और वो सीख जाएगा. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद सीखता है. फिर पियाजे क्या कहते हैं? वाइगोट्स्की क्या कहते हैं? वाइगोट्स्की कहते हैं सोशल इंटरेक्शन सबसे पहले होता है, फिर कॉग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और सोशल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है. और ZPD की बात करते हैं. फिर पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, तब लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा. स्कीमा बनना पहले जरूरी है, और स्कीमा बनेगा कैसे? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन. और आपके सामने ऑर्नल्ड जैसे हैं जो कहते हैं कि मैच्योरेशन होते अपने आप अनफोल्ड होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, और ये डिपेंड करता है कि हमारा जेनेटिक और बायोलॉजिकल मेकअप कैसा है. ओके, सो आई हैव कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट. आई हैव कवर्ड ओवरऑल वेरियस थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, एंड द वन थ्योरी विच इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, दैट इज नोम चोम्स्की थ्योरी. आई हैव कवर्ड इट अर्लियर सेपरेट बेसिस, ऑन सेपरेट बेसिस. ओके, सो गो थ्रू ऑल द वीडियोज एंड लर्न. ओके, डन फ्रॉम माई साइड. Join my Telegram group too. Like and subscribe my channel too. Okay? Done.